हेलो नमस्ते नमस्कार सर, मैं अनीता जियो की तरफ से कॉल कर रही हूँ। जी अभी मैम। क्या मेरे बात मिस्टर विकास कुमार जी से हो रही है? जी 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 मैम बोलिए। धन्यवाद सर, मैं आपको बताना चाहूंगी आपका जियो नंबर 9034984800। सर, जी ये कॉल आपके द्वारा किया गया है, पोर्ट आउट रिक्वेस्ट संबंधित है। क्या ये सही समय आपसे बात करने के लिए? जी जी बोलिए। जी, आप जो पोर्ट आउट करने के लिए रिक्वेस्ट किए थे, क्या मैं रीजन जान सकती हूँ किस कारण के लिए पोर्ट आउट करना चाह रही है? जी रीजन तो एक्चुअली एक ही है मैडम। फिलहाल बोलिए। मौके पे जो आपकी रिलायंस कंपनी है, जियो आ जी गया, जियो मार्ट आ गया, जो किसानों का शोषण कर रहे हैं, 12-12 जी दिन से, 15-15 दिन से प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, और जो जी सरकार इनके हाथों की कठपुतली बनी हुई है, तो हमें इस तरह के नेटवर्क की जरूरत नहीं है। हम ताकतवर को और जी ताकत नहीं देंगे किसी भी कारण से, सर, मैं आपकी और टोटली असुविधा को रिलायंस समझ प्रोडक्ट पा रही का हूँ। बहिष्कार करेंगे। सर, मैं आपकी असुविधा को समझ पा रही हूँ। असुविधा के लिए खेद हो, आप ये नंबर जो पोर्ट आउट करने के लिए रिक्वेस्ट की है, यानी कि अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से न्यू फार्मर बिल पास किया गया है, आप जिस वजह से बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रोटेस्ट 15 दिन से, जब 12 दिन से हम लगातार रोड पर बैठे हुए हैं, पिछले 2 महीने से हर सर हर एक जगह चल रहा है, तो ये इन कैसा है, जी इनकी पैसे की लालसा, ये इन गुजराती बंधुओं की पूरी नहीं होंगी, तो हमें इस सर, मैं कारण से आपकी इनको, असुविधा इनका को जो समझ बिजनेस पा है, रही हूँ। इनका जो भी बिजनेस है, रिलायंस से जुड़ा हुआ, अडानी से जुड़ा हुआ, उनका हम जी विरोध करेंगे जिस भी माध्यम से हम, हमारे से हो सकता है उसी माध्यम से। सो जी मैं आपकी प्लीज। असुविधा जी जी को जरूर समझ पा रही हूँ। असुविधा के लिए जी जी खेद हूँ, जी इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहूंगी। पहले तो जी बताना चाहूंगी सर, ये जो गवर्नमेंट के तरफ से न्यू फार्मर बिल पास किया गया है, सर, ये गवर्नमेंट के तरफ से डिसीजन लिया गया है, इस संबंधित जियो का ये कोई भी लिंक नहीं है। आप एक बार बताइए मेरे को, क्या आप गवर्नमेंट बोलिए। की प्रवक्ता हो? नहीं ना, सर, हमारे नहीं पास ना, ये नहीं जानकारी सुनो है, सुनो इसलिए मैं सुनो, आपको ये एक्चुअली जानकारी दे एक्चुअली रही हूँ। एक्चुअली आप गवर्नमेंट के प्रवक्ता नहीं हो, और न ही आप रिलायंस के प्रवक्ता हो। रही दूसरी चीज, आपकी जियो मार्ट के आने के बाद क्या हो रहा है, जियो मार्ट लॉन्च हुई है, उससे पहले मोनोपोली क्रिएट की गई है रिलायंस द्वारा, जो कोई जाने या ना जी जाने, जो आपका फेसबुक फेसबुक से अलायंस हो रहा है, आपका गूगल से अलायंस हो रहा है, आपका सभी प्लेटफॉर्म, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो दिग्गज जी कंपनी है, वो क्रिएट करके आपने मोनोपोली तो क्रिएट कर दी ना मार्केट में, तो आपको टक्कर कहां से, रिलायंस के अगेंस्ट कौन खड़ा होगा? आप उनको खत्म करने लग रहे हो, इसी तरीके से आप किसान को खत्म करोगे। देखिए सर, गवर्नमेंट शुरू में के तरफ से जो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। स्टार्टिंग में जियो आपने फ्री जी दिया, उसके बाद 199 का चार्ज लिया, फिर 399 का लिया, अब 599 का लेने लग रहे हो आप चार्जेज। क्या अगर आप ये चेक क्या ये करेंगे सर, बाकी चीजें अगर इसमें से क्या कॉस्ट ये है चीजें देश सेवा के लिए थी? क्या रिलायंस ने जो ये स्टार्टिंग से किया, ये सिर्फ मार्केट को कैप्चर करने के लिए किया ना उन्होंने? इंटरव्यू करने के लिए माफी चाहूंगी सर, अगर अभी भी आप चेक करेंगे बाकी ऑपरेटर के हिसाब से, अगर प्लान कंपेयर करेंगे मार्केट में, अभी मैम जो एक्चुअली बहुत ही एक्चुअली सस्ता एक्चुअली प्लान हमें हमें और कंपेयर से सिंपल मतलब प्लान नहीं, दे रहे हैं। हमें कंपेयर से मतलब नहीं है, भले ही इससे 100 गुना महंगा हो, हम इसको नहीं, जी, रिलायंस तो को सपोर्ट नहीं आपने करेंगे, सीधी बात ये है। जी, मैं बताना चाहूंगी, जो हमेशा अपने कस्टमर को बेस्ट वैल्यू और बेस्ट सर्विस बेस्ट प्लान प्रोवाइड करता है, और जो इंडिया का लार्जेस्ट 4G नेटवर्क करे है, जगह अब एक लार्ज हिसाब से लार्ज नेटवर्क सुनो इम्प्रूव सुनो किया गया है। सुनो, जियो को लार्जेस्ट बनाने वाली ये पब्लिक ही है, ये इस देश की जनता है लार्जेस्ट बनाने वाली, जी, जब जब आप सर खींचेगी तो आपने जो ये इसको बिल्कुल बैन करके इसका ताला भी लगा देगी, आपको भी पता है पब्लिक है, ये पब्लिक ने ये लार्जेस्ट बनाया है और पब्लिक इसको खत्म कर देगी, ये सर, बात आप मान जिस लो आप। कारण के लिए पोर्ट आउट करने के लिए रिक्वेस्ट किए, इस संबंधित जो का कोई भी लिंक नहीं है, और ये गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन लिया गया है, आप भी ये जानते हैं बिल्कुल सर, बिल्कुल, टोटली और मैं रिलायंस का आपको ये बहिष्कार है जी, रिलायंस का बहिष्कार है इसका, मैं बताना पेट्रोल चाहूंगी। से लेकर इसका जियो मार्ट चाहे कुछ भी हो, हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हम रिलायंस का हर एक लेवल पर प्रोटेस्ट करेंगे जो भी हमसे बन पड़ेगा। और आप ये कनेक्शन जो हरियाणा का स्टेट में यूज कर रहे हैं जी सर, हर सिटीज में, हर विलेज में हमारा जियो का 4G कवरेज अवेलेबल है, और क्या देश के स्तर से मैं आपको बता नेटवर्क को चुका इम्प्रूव किया जा रहा है? मैं आपको बता चुका हूँ, एक्चुअली एक नंबर तो मैंने बीएसएनएल में पोर्ट करवा लिया है, ठीक है, और जियो का अब ये नंबर भी मैं बीएसएनएल में पोर्ट करवाऊंगा, ठीक है ना, चाहे भले ही सर, आपका आप नेटवर्क कितना ही बेटर हो, कितना ही हो, और दूसरे नेटवर्क भले ही 100 गुना महंगे हो, हम वो अडॉप्ट करेंगे न कि आपका। आप जी, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट, जो मैंने बोला है वो आप प्लीज अपने हाई कमान को, आप टीम लीडर को बेसिक बोल दीजिए, और सॉरी आगे जी ज्यादा बातें करने का कोई चित्त नहीं है जी।
हमारा मन बन चुका है। आपने जो पोर्ट आउट करने के लिए रिक्वेस्ट किए थे, आप कोई दूसरा ऑपरेटर में डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं? जी सर, अबे आप अगर चाहेंगे आप पोर्ट आउट का रिक्वेस्ट कैंसिल भी करवा सकते हैं 24 नहीं, आवर्स के मैम अंदर। एक्चुअली मैंने करवाना ही नहीं कैंसिल। जब मैंने खुद पोर्ट करने के लिए मैसेज सेंड करा है तो मैं क्यों कैंसिल करवाऊँ? मैं नहीं कैंसिल करवाऊंगा जी। और मैम मैं क्या है, ये थोड़ा ये एक मुहिम के तौर पे ये पहले से चल रही है, अब इसको और ज्यादा वाइड किया जाएगा, इसको ज्यादा बढ़ाया जाएगा। ठीक है ठीक सर, है अगर आप पोर्ट आउट करना चाहते हैं आप पोर्ट आउट कर सकते हैं। 90 डेज के बाद जब जियो में वापस आएंगे आपको वेलकम किया जाएगा। मैं जियो के बारे में और कुछ सहायता कर सकती हूँ? नहीं, थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर जी योर थैंक यू सर, कोऑपरेशन। जियो में समय देने के लिए। आपका दिन शुभ हो।